क्या कर्नाटक विधानसभा की तरह संसद में छिड़का जाना चाहिए गौमूत्र? डीएमके सांसद के बयान के बाद उठी चर्चा। बीजेपी शासित राज्य है गौमूत्र वाले प्रदेश, तो कांग्रेस शासित राज्यों को क्या देंगे नाम? यूपी या तमिलनाडु कौन है आगे? योगी के यूपी मॉडल के आगे कितना टिकता है तमिलनाडु का सनातन विरोधी मॉडल? सुनिए सटीक विश्लेषण। क्या कर्नाटक विधानसभा की तरह ही देश की नई संसद में भी गौमूत्र का छिड़काव होना चाहिए? ये तस्वीरें इसी साल महीने की हैं। कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा में गौमूत्र छिड़का, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा और सनातन से अपना लगाव दिखाया, पर 6 महीने बाद ही पूरी तस्वीर बदल गई। उनकी पार्टी ने जिस डीएमके के साथ गठबंधन किया है, उसके सांसद ने भरे सदन में खड़े होकर बीजेपी की तुलना अपमानजनक तरीके से गौमूत्र से करते हैं। डीएमके सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार ने जो कहा है, उसे सुनकर पूरे नॉर्थ इंडिया के लोगों को गुस्सा आएगा। पहले आप भी उनका पूरा बयान सुनिए, फिर बताते हैं योगी के यूपी मॉडल में विकास ज्यादा हुआ या तमिलनाडु के सनातन विरोधी मॉडल में विकास की बयार बह रही है। इस देश के लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाजपा की ताकत केवल हिंदी राज्यों में चुनाव जीतना है, जिन्हें हम आमतौर पर गौमूत्र राज्य कहते हैं। आप दक्षिण भारत में नहीं आ सकते हैं, यानी बीजेपी शासित राज्य इन्हें गौमूत्र वाले प्रदेश लगते हैं। तो सवाल है कि कांग्रेस शासित राज्यों को ये क्या नाम देंगे? बंगाल से लेकर बिहार तक को ये क्या सनातन विरोधी राज्य कहेंगे? अगर बीजेपी को गौमूत्र वाले वोट करते हैं, तो फिर कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों को तो वो मशीनरी भी वोट करती है, जो पानी और तेल छिड़ककर भूत प्रेत भगाने का दावा करते हैं, जिनके बारे में बागेश्वर बाबा कई तरह की बातें कहते हैं। यहाँ तक कि विज्ञान भी इस बात को मानता है कि गौमूत्र से कई तरह की बीमारियां ठीक होती हैं। खुद ऑस्कर फर्नांडिस ने एक बार सदन में गौमूत्र से हुए चमत्कार का किस्सा सुनाया था। उन्होंने ये तक कहा था कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश इस बात पर मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एक ड्राइवर का गौमूत्र पीने से कैंसर ठीक हुआ और योग करने से मुझे नया जीवन मिला। आपको कई ऐसे पहलवान मिल जाएंगे जो बिना छाने गौमूत्र पीते हैं, तो फिर इस तरह के दुष्प्रचार से डीएमके क्या हासिल करना चाहती है? क्या 3 राज्यों में मिली हार के बाद भी कांग्रेस को अक्ल नहीं आई और वो दक्षिण में बीजेपी को मिल रही बढ़त को कमजोर करने के लिए ये प्लान बना रही है? अगर ऐसा है तो फिर वो अपने ही प्लान में फंस जाएगी, क्योंकि प्रियंका गांधी के करीबी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम कहते हैं कि ऐसे बयानों से बीजेपी सिर्फ गौमूत्र वाले प्रदेश में ही नहीं, सांडो वाले प्रदेश में भी सरकार बनाएगी। कई दिग्गज ये कहते हैं कि सरकार बनाना अलग बात है और लोगों को ज्ञानवान बनाना अलग बात है। कई लोग इस गलतफहमी में है कि बीजेपी को वोट देने वाले लोग सिर्फ गाय, गंगा और गौमूत्र तक ही सोचते हैं। वो राष्ट्रवाद के नाम पर वोट कर देते हैं और विकास के लिए तरसते रहते हैं, महंगाई की मार से परेशान रहते हैं। ऐसे में हमने ये समझने की कोशिश की कि सनातन विरोधी बात करने वाली तमिलनाडु की डीएमके सरकार में विकास ज्यादा हुआ है या योगी के यूपी मॉडल वाले सरकार में। रिसर्च के बाद जो नतीजे सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले बात तमिलनाडु की करते हैं। तमिलनाडु की आबादी 8 करोड़ है, साक्षरता दर 80% है। तमिलनाडु में कुल 37,220 कारखाने हैं, 24 लाख मजदूर हैं। जीडीपी 320 अरब डॉलर है और 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी की आबादी 20 करोड़ है, साक्षरता दर 68% है। यूपी में कुल 15,294 कारखाने हैं, 11 लाख मजदूर है। जीडीपी 294 अरब डॉलर है, 2027 तक 1 ट्रिलियन डॉलर लक्ष्य है। यानी तमिलनाडु कई मामलों में यूपी से आगे है, पर इसके पीछे की वजह सियासी इच्छा शक्ति भी है। साल 1994 के बाद से तमिलनाडु में जयललिता और करुणानिधि ने काफी काम किया है, जबकि यूपी इस दौर में कई तरह के बदलावों से गुजर रहा था। राम मंदिर आंदोलन से लेकर कई तरह के सियासी आंदोलनों ने यूपी के विकास को काफी हद तक प्रभावित किया, और खासकर मुलायम सिंह यादव से लेकर मायावती तक के दौर में यूपी का उस तेजी से विकास नहीं हो पाया। लेकिन बीते 6 सालों में योगी आदित्यनाथ ने यूपी को जिस तेजी से आगे बढ़ाया है, वो काबिले तारीफ है। आंकड़ों में तमिलनाडु यूपी से आगे निकल सकता है, लेकिन अगर आप आज के यूपी को देखें जिसकी नींव योगी ने रखी है, तो पता चलता है कि आने वाले दिनों में यूपी तमिलनाडु को पीछे छोड़ सकता है। आबादी कम होने की वजह से भी तमिलनाडु को काफी फायदा मिला है, बावजूद इसके आज भी वहां बाढ़ से तबाही मचती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि सनातन की अपमान की सजा भगवान दे रहे हैं। हालांकि ऐसी त्रासदी कहीं भी आ सकती है, पर डीएमके सांसद का यह बयान बताता है कि उन्हें हिंदी भाषी राज्यों से कितनी दिक्कत है। किस तरह की सोच वो उत्तर भारत के लिए रखते हैं? देश को बांटने वाले ऐसे बयानों पर क्या बैन लगना चाहिए? क्योंकि ये वही लोग हैं जो उत्तर भारत के लोगों को अपने राज्य से भगाने की बात करते हैं। तमिलनाडु के एक वीडियो को लेकर ही मनीष कश्यप जेल में है। ऐसे में आप इन नेताओं को क्या जवाब देना चाहेंगे? कमेंट कर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।